नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट को लेकर। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में अब राजनीतिक पार्टियों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल के शुरुआती महीने में पंचायत चुनाव कराना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसका डेट आगे बढ़ा दिया गया। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव अक्टूबर से नवम्बर के बीच में कराया जा सकता है। बिहार पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की दिलचस्पी पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि बिहार सबसे पहले बीजेपी ने यह दावा किया था कि हम पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने जिला परिषद उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि बिहार में पंचायत चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होगा। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडा का इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि पंचायत चुनाव को कर राजद ने भी कहा था कि प्रदेश में सबसे ज्यादा राजद के उम्मीदवार हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस साल प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी को मजबूती के लिए कांग्रेस बिहार में हर गांव में अपने 10-10 डेडिकेटेड वर्कर तैयार करेगी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बताया कि बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक तगड़ा है, लेकिन अगड़ी जाति मुस्लिम ओबीसी और दलितों के बड़े हिस्से का वोट दूसरी तरफ चला जा रहा है। इन सबों को एकजुट करना है और 2024 का चुनाव पूरे दमखम से लड़ना है। दलितों में पासवान मुसहर रविदास को भी कांग्रेस अपनी तरफ लाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस में भी बदलाव होगा, इस सवाल के जवाब में शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि बदलाव की अभी जरूरत नहीं है, नए लोगों को लाने पर बात हुई ताकि पार्टी की मजबूती बनी रहे। आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आई ईवीएम मशीन। आपको बता दें कि बिहार में इस साल ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया जाना है, जो कि बिहार में पहली बार होगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में लंबे समय तक मामला अटका रहा, जिसके बाद देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। अब जब प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आई है तो प्रदेश में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रदेश में अक्टूबर से नवंबर के बीच में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। दोनों निर्वाचन आयोग के बीच में M2 मॉडल से चुनाव कराने पर सहमति बनी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना और बाढ़ के कहर के बीच पंचायत चुनाव में कितनी कड़ाई दिखाती है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर खास निर्देश जारी किया गया है। पंचायत चुनाव 2021 को लेकर चल रही तैयारियों में जिला स्तरीय अधिकारियों को जवाबदेही बनाते हुए अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। ईवीएम की व्यवस्था और उसके मेंटेनेंस को लेकर जिम्मेवारी दी गई है। साथ ही अलग अलग कोषांगों का गठन होने लगा है। कोविड-19 मानक का पालन करने को लेकर विशेष तैयारी चल रही है। इसके अलावा सामान की आपूर्ति को लेकर भी तैयारियाँ जोरों पर है। तो ये थी पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।